ट्रैक्टर मनी रेस्टोरेशन। कामेश्वरम बटनाकर खेती करने वाला किसान था। एक जमाने में 30 एकड़ का मालिक था, लेकिन अपने भाई के किए धोखे की वजह से अभी बस 3 एकड़ के जमीन का मालिक बनकर रह गया। उसी परेशानी से बिस्तर पकड़ लिया। कभी कभी उसकी पत्नी जलंधरा कहती, चाचा जी का बेटा है, उसकी जिंदगी में कुछ भला करना है, उनको उनके पूरे परिवार के साथ अपने अपना लिया और उन पर भरोसा करके उनका भला किया। आपको खेती में मदद कर रही हूँ दिखाकर, गलत हिसाब किताब दिखाकर, फसल को चोरी छिपे बेचकर, आपको हर तरीके से बर्बाद करके हमारा पूरा नुकसान करके चले गया वो कमीना। अब हमारी चिन्ना की स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, कल उसके आगे की पढ़ाई भी नहीं कराने की स्थिति में हैं हम लोग, यूं रोते हुए बोली। तब चिन्ना, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं खेती करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, आपको और पापा की देखभाल करूंगा, यूं कहा। एक दिन जलंधरा, कैसे करोगे रे बेटा, सोने जैसे ट्रैक्टर को भी मन में आए वैसे चलाकर उसे भी बेकार करके छोड़े हैं तुम्हारे छोटे पिताजी, वो अब खेत में एक जगह पर सिर्फ जंग खा रही है और किसी काम की नहीं रही, यूं बोली चिन्ना। मैं ट्रैक्टर को ठीक करके खेती करूंगा, फसल उगाऊंगा, तुम्हें और पैसे कमा कर दूंगा, कहा। तब वो, तेरा मुँह बड़ी बड़ी बातें सीख गया है, यूं बोली। चिन्ना एक मैकेनिक शॉप जाकर वहाँ मौजूद मैकेनिक से, भैया मुझे पहचाने क्या, मैं चिन्ना हूँ, हमारे खेत में ट्रैक्टर किसी काम में नहीं आ रहा है और वो खराब हो गया है, उसे ठीक करके रनिंग कंडीशन में करना है, यूं कहा वो मैकेनिक। तुम कामेश्वर पटनाकर के बेटे हो ना, तुम्हारे ट्रैक्टर को मैंने देखा है, तुम्हारे पिताजी यहाँ आकर उसे ठीक करने के लिए कहे थे, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, उसे ठीक करने के लिए कम से कम 40,000 रुपए लगेंगे, यूं कहा चिन्ना। बाप रे 40,000, उतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, ठीक है एक छोटी मदद करोगे, वो ट्रैक्टर ठीक करने के सामान हमें दे दोगे तो मैं खुद से ठीक कर लूंगा, यूं कहा मैकेनिक वो सामान का थैला देकर। तुम खुद ठीक कर लोगे, इतना अनुभव है, ऐसा मेरे जैसे इंसान को ही वो ठीक करके उसे एक कंडीशन में रखने के लिए 1 महीने से ज्यादा लगेगा, चिन्ना। करूंगा ना भैया, 30 दिन में ही ट्रैक्टर को कैसे ठीक करते ये सीखने के लिए मैंने 2 बुक्स खरीदे, मैकेनिक। दो क्यों, चिन्ना। जल्दी खत्म करने के लिए 15 दिन में ही हो जाएंगे ना फिर तो, यूं कहा। फिर वो सुनकर मैकेनिक दंग रह गया। फिर चिन्ना खेत के पास खराब हो रखी ट्रैक्टर के पास बैठकर अपने पास जो बुक है उसे अच्छे से पढ़ने लगा। बॉडी से पहले ये देखिए कि ट्रैक्टर का इंजन कहाँ खराब हो गया है, फिर डीजल टैंक ठीक है या नहीं वो देखिए, फिर यूं पढ़ रहा था कि आखिर सबसे पहले ये देखिए कि आपके ट्रैक्टर पे पहिए लगे हैं या नहीं, फिर इंजन के पार्ट है या नहीं देखिए, अगर कुछ भी नहीं और सिर्फ खाली है तो पूरब की ओर मुड़कर प्रणाम कीजिए और उसे खटारे वाले को बेचकर घर जाकर कंबल ओढ़कर सो जाइए, ऐसी आवाज सुनाई दी। चिन्ना एकदम से इधर उधर देखा, फिर अपने मन में, ये किसने बात किया, कोई नहीं होगा, यूं सोचा। तब फिर से, दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों का डॉक्टर को दिखा कर एक चश्मा इस्तेमाल करो और फिर ठीक से देखो, यूं सुनाई दिया। तब देखा तो ट्रैक्टर के ऊपर 3 लिलीपुट दिखाई दिए। चिन्ना आश्चर्य से, आप कौन हो, इतने छोटे से क्यों हो, हमारे ट्रैक्टर में क्या कर रहे हो, यूं कहा एक लिलीपुट। मेरा नाम बालू प्रसाद लिली है, ये दोनों मेरे भाई है, हमारे लिलीपुट देश में रियल एस्टेट बहुत बढ़ गया है और खरीदने के लिए एक छोटा जमीन भी नहीं खरीद सके, उतना दाम बढ़ गया है, तुम मानोगे नहीं लेकिन हमारे देश में अगर कोई गुजर जाएंगे तो कम से कम उनके खबर बनाने के लिए 6 फीट की जगह भी नहीं मिल रही है, तो इससे मरने के लिए भी लोग डर रहे हैं, इसलिए कहीं भी अगर थोड़ा सस्ते में जमीन मिला तो वहाँ सेटल होने के लिए सोचकर और वैसे 10 साल पहले निकलकर अब यहाँ तक आ पहुँचे, पिछले 1 हफ्ते से इसी ट्रैक्टर में रह रहे हैं। और तुम्हारा नाम क्या है, चिन्ना। मेरा नाम चिन्ना है, हमारे चाचा जी हमें धोखा देकर भाग गए हैं, हमारे पास जो 3 एकड़ की भूमि है उस पर खेती करने के लिए खराब हो रखी ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए आया हूँ, यूं कहा बालू प्रसाद। वैसा है क्या, तो बिना ठीक किए ये किताब क्यों पढ़ रहे हो, चिन्ना। इसमें ट्रैक्टर कैसे ठीक करना है वो लिखा गया है, वो पढ़ रहा हूँ, बालू प्रसाद। अच्छा है, तुम उसे पढ़कर ट्रैक्टर मैकेनिज्म समझकर इसे ठीक करके खेती करके फसल उगाकर फिर फसल बेचकर
पैसे कमा कर तुम्हारे माँ पिता को खुशी दोगे, तब तक उनको खाना भी नहीं मिलेगा और टाटा बाय बाय बोलकर ऊपर चले जाएंगे। छोटे बच्चे हो लेकिन खुद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए जो तुम्हारी कोशिशें हैं वो हमें अच्छी लगी। वो सामान हमें दो, तुम्हारे ट्रैक्टर ठीक करके तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश बरसाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हारे खेत में एक तरफ 1,000 फीट की जगह दोगे तो उधर एक घर बनाकर वहीं सेटल हो जाएंगे, क्या कहते हो? यूं कहा चिन्ना खुशी से। उसमें मुझे पूछने की क्या बात है, आप मेरे और मेरे परिवार की इतनी मदद कर रहे हो तो आप हमारे लिए भगवान के रूप में आए हो। यूं कहा बालू प्रसाद। ऐसा मत कहो, वो भगवान कब किस पर कृपा करता है पता नहीं, हम जैसे छोटे लिलीपुट्स को कैसे पता चलेगा। कहकर ए भाइयों, अब ये चिन्ना हमारा और एक भाई है, इसलिए इसका ट्रैक्टर को ठीक करके इसे करेंसी नोट में भर देंगे। यूं कहा तुरंत एक स्क्रू ड्राइवर, एक हथौड़ा, एक कटिंग प्लेयर पकड़कर ट्रैक्टर पर चढ़कर ट्रैक्टर ठीक करने लगे। अगले दिन तक ट्रैक्टर का शेप भी बदल गया, इंजन का हिस्सा पूरा पैसों से भर दिया गया। चिन्ना माता पिता को बुलाकर हाथ से नोट को निकालकर देखकर, अरे वाह बालू भाई, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। यूं कहा बालू। हाँ वही तो, हमें 1,000 फीट का जगह दोगे ये बात भूलोगे तो नहीं। चिन्ना। नहीं भैया, उसमें क्या है, ये पूरा खेत में आप अपना बड़ा सा घर बना लो। बालू। उतना बड़ा घर की जरूरत हमें नहीं है बेटा, फिर अगर हमें एक दूसरे से मिलना हो तो कुछ हजारों मील चलना होगा। यूं हंसते हुए कहा। वो सुनकर सब लोग हंसने लगे।